जी हाँ दोस्तों, लूनार एक्लिप्स एक बार फिर से हमारे भारत में दस्तक देने जा रहा है। और ठीक दोस्तों, 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार के दिन को हमारे साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। तो आइए आपके चंद्र ग्रहण के बारे में मैं आपको सही और सटीक जानकारी बताऊंगा कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, और हमारे भारत देश में भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक लगेगा इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और हमारे वैज्ञानिकों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए आइए आज चंद्र ग्रहण के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम चंद्र ग्रहण को लेकर के जो भी छोटी या बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से और सिंपल तरीके से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें कि चंद्र ग्रहण ज्योतिष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को लगने वाला है। दोस्तों बता दें आपको कि यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में लगेगा और हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार पाप ग्रह राहु और केतु जब चंद्रमा पर हमला करते हैं तब हमारे देश में चंद्रमा की स्थिति बन जाती है। यानी कि दोस्तों इस साल 2021 का चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को लगने वाला है और ये जो हमारा चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो हमारे हर साल की भांति इस साल का चंद्र ग्रहण सबसे खतरनाक माना गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमारे भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में कब दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स बता दें कि हमारे भारतीय समय अनुसार यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सुबह 11:34 से शुरू होकर के और यह चंद्र ग्रहण हमारे शाम 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के हमारे भारत देश में इसका संयोग 5 से 6 घंटे बनने वाले हैं और इस दौरान आपको अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है और खासकर अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिलाएं हैं या आपके घर में कोई भी 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना है, क्योंकि हमारे चंद्र ग्रहण के दौरान जो आपके प्रकाश की किरणें आती है वो काफी निगेटिव और नकारात्मक होती है और इस दौरान अगर प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो इसका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट महिला है तो उनको चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी 65 साल से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको भी इस चंद्र ग्रहण के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है वरना उनके जीवन पर काफी हानि होती है। तो ये कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्रों और वैज्ञानिकों के अनुसार जो आपको जानकारी बताई गई है कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और फाइनली ये जो हमारा साल 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो बाकी चंद्र ग्रहण से काफी खतरनाक माना गया है। तो वैसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपका नाम किस राशि से आता है। अगर दोस्तों आपका नाम चाहे जो भी राशि से आता है तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप यस या नो में रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो आयुक्त दोस्तों आपको यह चंद्र ग्रहण का वीडियो काफी समझ में आ गया होगा, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या कोई भी सवाल या जवाब हो वो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो आयुक्त दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।